तीन वर्ष से नहीं मिल रही कोई फिल्म, फ्लॉप करियर के बावजूद टेंशन फ्री है जिंदगी। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की अभिनेत्री विदिशा श्रीवास्तव आजकल सोशल मीडिया पर बेहद सुर्खियों में रहती हैं। वर्ष 2007 को इन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया था। इसके पश्चात इन्हें एक के बाद एक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम फिल्मों में देखा गया। वर्ष 2016 में इनकी अंतिम तेलुगु फिल्म जनता गैरेज रिलीज हुई थी। इस फिल्मी सफर के दौरान कुछ गिने चुने फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो इनकी बाकी सभी फिल्में फ्लॉप रही। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 सालों से इन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिल रही है। फिल्म उद्योग में इनकी गिरती लोकप्रियता को देखते हुए सन 2017 में ये टीवी सीरियल में आ गई। इन्होंने पहली बार स्टार प्लस की लोकप्रिय सीरियल ये है मोहब्बतें में कार्य किया था। हालांकि टीवी उद्योग में भी विदिशा को कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई। फिलहाल ये स्टार भारत के शो मेरी गुड़िया में कार्य कर रही हैं। विदिशा खुद ये मानती हैं कि उनका करियर फ्लॉप चल रहा है, किंतु इसके बावजूद वो कभी भी अपने आप को दुखी होने नहीं देती। वो सदैव टेंशन फ्री रहना पसंद करती हैं एवं अपनी जिंदगी खुलकर जीती हैं।